हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे बंगाल की फेमस मिठाई संदेश। तो इस अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये हाफ कप जो है चीनी ली हुई है, पीसी हुई आइसिंग शुगर, एक नींबू का रस लिया है, 10 पिस्ता लिए हैं, 20-25 ये टूटी फ्रूटी लिए है, 10 बादाम लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये दूध उबालेंगे। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसको हम पहले उबालेंगे। ये अब दूध उबल गया है और अब हम गैस बंद करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर हम इसी गरम गरम दूध में नींबू डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, तो ये जो है छेना बहुत ही टाइट बनता है, इसलिए हम इसको 5 मिनट के बाद डालेंगे। 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये नींबू के रस में थोड़ा पानी मिक्स कर लिया मैंने। अब ये दूध अच्छी तरह फट चुका है और पानी अलग हो गया है, छेना ये अलग हो गया है। अब इसको हम छानेंगे। ये मैंने एक कपड़ा भी छा लिया है चल्ली के अंदर, अब इसमें हम छानेंगे इसको। अब हम इसे थोड़ा सा धोएंगे क्योंकि जो हमने नींबू डाला था उसकी स्मेल इसमें ना रहे। इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और अब हम इसको निचोड़ेंगे और कहीं थोड़ा सा टांग देंगे जो कि इसका पानी सारा निकल जाए। अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा मैश करेंगे जो कि ये सॉफ्ट हो जाए। पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये देखिए हमने इसको भून लिया है और अब हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए। अब
अब देखिए ठंडी हो गई है, अब हम इसकी संदेश बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हम सारी बना लेंगे। ये देखिए संदेश मिठाई तैयार हो गई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है खाने में, और इसे बच्चे भी और बड़े भी बहुत ही पसंद करते हैं। ओके बाय, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।